कन्या पूजन का सामान भी रेडी करके रख दिया है। चैनल रवि सामंत ब्लॉग्स, होप यू गाइस आर फाइन। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ, और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग 6 बजे से। तो आज है नवमी यानी नवरात्रि का 9वां दिन, और आज है कन्या पूजन, क्योंकि तो मेरे नवरात्रि के सारे फास्ट थे ना, तो इसलिए आज कन्या पूजन भी है। तो उसकी तैयारी करनी होगी कन्या पूजन की, क्योंकि कन्याओं को भी बुला रखा है इसलिए। तो आप सभी को मेरी तरफ से नवमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो फिलहाल अब तैयारी करते हैं, यानी सबसे पहले झाड़ू वगैरह करते हैं, देखते हैं कि कन्याएं कब आती है, क्योंकि ऊपर भी कन्या पूजन है 2-3 लोग का, इसलिए इसके बाद ही आएंगे शायद। इधर लगा दिए झाड़ू, क्योंकि इधर ही कन्याओं को बिठाएंगे हम, तो यहाँ लीप भी देते हैं। इस साइड का झाड़ू वगैरह तो हो चुका है, तो मैं आ गई इस साइड, क्योंकि इधर भी झाड़ू लगाना होगा। और मौसम देखो कितना अच्छा हो रखा है सुबह सुबह का, अभी सूरज आने वाला है इसलिए पूरा रेड रेड हो गया वहाँ से। झाड़ू वगैरह तो हो चुका है, अब मंदिर के बर्तन धोने की बारी। तो सारे मंदिर के बर्तन धो लेते हैं, और अभी भी धूप नहीं आई है, बादल भी लग रहे थे हल्के फुल्के। अभी बुझ चुके हैं सुबह के 8:30, और नहाना वगैरह भी मेरा हो चुका है, और फूल भी तोड़ लिया मैंने पूजा के लिए। तो पहले पूजा कर लेती हूँ एक बार, और चने भी चढ़ा रखे हैं मैंने गैस में, तैयारी भी करनी है कन्या पूजन की। कन्या तो किससे में आते हैं पता नहीं, वही 11-12 बज ही जाएगा उनको, बट तब तक अपनी तैयारी कर लेती हूँ, पहले पूजा वगैरह कर लेती हूँ। पूजा पाठ तो मेरी हो चुकी है, और अब एक बार पहले पानी भर के लेके आती हूँ, धूप तेज हो जाएगी क्योंकि, एक बार पानी भर लेती हूँ ताज़ा ताज़ा। अब मैं खाने की तैयारी वगैरह कर लेती हूँ, मिर्ची तोड़ के लाती हूँ पहले खेत से, फिर बनाती हूँ चने। अभी हो चुके हैं सुबह के 10, और मैंने साड़ी भी पहन ली है, मतलब मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, और खाना भी लगभग सब बन ही चुका है। यहाँ पे को चने बन रखे हैं, और पूरी भी मैंने बनाई दी है लगभग, और प्रसाद अंदर पापा ने आग में बना दिया था। तो कन्या अभी आएँगी, मम्मी गई है उनको लेने कन्याओं को ऊपर, तो कन्या आएँगे भी, तब तक मैं पूरी भी बना लेती हूँ। तो भोग भी सारा बन ही चुका है, और प्रसाद मंदिर पे मतलब अंदर रख देते हैं, जहाँ पे मंदिर है हमारा वहाँ पे चढ़ा देती हूँ मैं पूरी और चने, और जो प्रसाद बना है मतलब दूध में बनता है सूजी, तो वो बनता है मैया के लिए। तो जो कलश मैंने स्थापित किया था फर्स्ट दिन, तो उसको भी आज निकालूंगी, भोग लगाऊंगी, आरती करूंगी, उसके बाद कलश भी लेके आएंगे बाहर को, और जो कलश का पानी होता है वो सब छिड़कूंगी इधर उधर अंदर, और नारियल जो होता है कन्याओं को दिया जाता है। तो भोग लगाती हूँ पहले। तो यहाँ पे को मैंने कन्या पूजन का सामान भी रेडी करके रख दिया है, ये है कन्याओं के लिए चुनरी, जो भी सामान मतलब मैं लेके आ रखी हूँ उनके लिए, बना के 5 चीज़ें लेके आते हैं, तो वही चीज़ रख रखी है सारी। और एक कलश मंदिर से लेके आ गई मैंने, मंदिर में भोग लगा दिया है, तो जब कन्या आ जाएंगी उसके बाद इसका नारियल फोड़ के पानी वानी निकालूंगी, और ये कलश भी रख दिया वहाँ पे पैर धोने के लिए। बस यहाँ पे कोई परात लेके आनी है मैंने, सब कुछ तो रेडी हो चुका है, बस अब कन्याओं का वेट है। तो कन्या पूजन वैसे नवरात्रि के 5वें कोई 5 दिन में भी करता है, पंचमी को, कोई 7 मतलब 8 अष्टमी को भी करता है, कोई 9वीं को भी करता है, बोलते हैं ना मतलब मैया के 9 रूप होते हैं, तो मतलब 9 कन्याएं आती, मतलब कन्याओं के रूप में मैया हमारे घर पे पधारती है, मतलब कन्या के रूप पे हमें आशीर्वाद देती है, मतलब 5 से भी हो जाता है, 7 से भी या 9 से भी, जितने भी हुए, और भैरव भी होता है उसमें। तो सब तैयारी तो मैंने कर दी है, बस अब कन्याओं का माँ का इंतज़ार है, तो वो भी आ ही रहे हैं बस। यहाँ पे कन्याएं भी आ चुकी हैं, भैरव भी आ गया है, तो कन्या पूजन करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं कन्याओं को टीका लगा रही हूँ, और इनसे आशीर्वाद लूँगी, क्योंकि मैया के रूप में आए, तो आज मैं इनसे आशीर्वाद दूँगी, और मुझे अच्छा अच्छा आशीर्वाद देंगे।
और अब मैं यहाँ पे को सबके पैर धोने लग गई हूँ प्रसाद में। अब यहाँ पे को मैं लगा रही हूँ सबको लाल लाल बिंदी, कन्याओं को। भैरव को तो नहीं लगेगी लेकिन। और यहाँ पे ये लोग सब हैंके से खेल रहे हैं अपने। भैरव ना बहुत ज़्यादा चुलबुला है, चुलबुला। तो ये प्रसाद भी हो गया रेडी देने के लिए। और पूरी है, रायता है, चने हैं और सूजी का हलवा बना रखा है, तो देते हैं। हाँ। तो ये जाने लगे कन्या पूजन वाले। बाय कर दो सब, चलो एक बार इधर को। बाय करो बाबू, बाय करो, तुम भी कर बाबू, सब करो इसको, बाय करो। कन्या पूजन भी हो चुका है और कन्याएं भी चली गई है, तो अब हमारा व्रत भी खत्म हो गया। मतलब आज भी व्रत ही रहेगा, वैसे तो एक ही बार खाते हैं, तो मन को अब शांति हो गई है। और अब पूरी वगैरह बनाते हैं, और क्योंकि उस समय से थोड़ी सी बनाई थी सिर्फ कन्याओं के लिए, बाकी प्रसाद इधर उधर भी देना होगा ना, तो सबके लिए बनाते हैं। और बंदर भी पहुँच चुके हैं, अब बंदर भगाने की ड्यूटी चालू हो गई है, क्योंकि इतने बंदर आ गए, इतने बंदर। बंदरों की पूरी सेना आ रखी है। बाप रे, और इसको देखो चले गया मूली के साइड, लेकिन इनको मूली नहीं दिख रही है क्योंकि राई हो रखी है वहाँ पे, छुप रखी है मूली। तो अब प्रसाद दे के आते हैं बगल में, तो पूरी सूजी और असिक्का दे के आते हैं अगल बगल पड़ोस में। वो वहाँ बंदर तो है। लो प्रसाद, वो आ गया। तो प्रसाद भी मैंने दे दिया है, वैसे घर में भी कोई है नहीं ना, एक ही लोग हैं, तो उनको ही अम्मा को दे के आई हूँ, बाकी को अभी थोड़ी देर बाद देंगे। और बंदर भी इतने आ रखे ना, डर लग रही थी कहीं थाली में जंप न मारे ऊपर से, ऐसे भी बंदर बहुत काट रहे हैं इधर आजकल हर किसी को, इसीलिए। मम्मी लोगों ने भी खा लिया खाना, अब अभी तक तो उनका भी व्रत ही था, कन्या पूजन के बाद खा लिया। अब बर्तन हो रखे इतने, तो एक बार बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। और बंदर भी चले गए हैं, अभी तो धुल चुके हैं मेरे, आधे यहाँ पे हैं और आधी थाली मैंने ऊपर उसमें डाल दिया धूप में सूखने के लिए। और अब एक बार साड़ी वगैरह चेंज कर लेती हूँ, धूप भी बहुत तेज़ लग रही है, कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।
कपड़े वगैरह तो मैंने चेंज कर लिए हैं और अब बर्तन भी अंदर रख देती हूँ क्योंकि सूख गए होंगे, बहुत धूप हो गई है। बर्तन भी अंदर रख के पूरा टांस देती हूँ। और मम्मी भी चली गई है मंगा, तो शायद चाय भेजनी होगी, तो देखते हैं, रोटी भी बनानी है तो चाय भी जो भी होगा। और मैं भी दूध पी लेती हूँ क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं खाया है सुबह से, दूध पी लेती हूँ। रात को खाना तो वैसे मैं रात को ही खाऊँगी, तो अपने लिए दूध बना लेती हूँ। तब तक मैं बर्तन ले जाती हूँ अंदर। चाय भी हो चुकी है बनके रेडी देने के लिए, और मौसम हो रहा है कुछ ऐसा बादल बादल, और पापा भी यहाँ पे बैठे हैं पानी पी रहे हैं। पापा तो चले गए हैं चाय वगैरह लेके, और मैं भी ऊपर चलती हूँ। अब दरवाजे खिड़की बंद कर देती हूँ नीचे की, क्योंकि बंदर आ रखे ना आज, अंदर कब घुस जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो ऊपर चलती हूँ, और मेरा कुछ काम भी है, काम भी करना है मैंने अपना, और दूध भी लेके आई हूँ, दूध भी पीती हूँ साथ साथ। फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। अभी बज चुके हैं शाम के 4, और धूप भी चली गई है यहाँ से, और अभी मैं आ गई हूँ बाहर पे। ये मतलब फाफर है जो, ये उल्का बोलते हैं इसको, उल्का, इसके बीज निकालने सूख गया है इसलिए, तो डंडे से बना रही हूँ इसको। तो ये रहा फाफर, इसके बीज वैसे तो आधे तो निकाल दिए मैंने, थोड़े और निकल रहे हैं। ये रहे आले अगली बार के लिए बोने के लिए, तो इसको मैं डंडे से बना देती हूँ। काम तो मैंने कर दिया है, और अब केड़ उठाती हूँ। जो केड़ यहाँ पे रखा था ना, उससे पहले गाय को घास देना पड़ेगा। देखती हूँ पहले कि उठी है कि सोई है, अगर सोई होगी तो नहीं दूंगी ना, अगर उठी होगी तो तभी डालूँगी, लेकिन वो उठ रखी है तो मुझे देना पड़ेगा। अरे बाप, नलो देना पड़ेगा नलो, तो मैं उसको दे के आती हूँ। अभी मैं आ चुकी हूँ अब केड़ उठाने के लिए, क्योंकि गाय को मैंने दे दिया है घास, और शाम भी होने वाली है, तो पर तो मैं तो वही प्रसाद वाला ही खाऊंगी, जो मतलब सुबह चने और सूजी का प्रसाद और पूरी वगैरह बनाई थी। बट खाना तो बनाऊंगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा प्रसाद भी खाना पड़ेगा मुझे सुबह का। और धूप भी बस जाने वाली है, आखिरी बच रखी है। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।